देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? है मैम। अच्छा अच्छा देखो जैसे कि मैंने बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग तो हम लोग का उस क्लास में हो गया है टॉपिक जो भी था। आज हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे जिसमें चैप्टर वन है देखो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम। ठीक है जिसमें गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा म्यूट कर लो माइक। हाँ नहीं तो क्या होता है ना रिकॉर्डिंग में आवाज आएगा फिर बैठ कर। अच्छा देखो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो आज तो हम लोग रेशियो ही कंप्लीट करेंगे ऐसा ही सोचा है। देखते हैं अगर प्रोपोर्शन भी कवर होता है जितना तो कर लेंगे क्योंकि छोटा छोटा है ये सब छोटा छोटा चैप्टर्स है। ठीक है अब देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब अगर इन जनरल देखो ठीक है रेशियो का मतलब तुम लोग को पता है। ठीक है रेशियो क्या होता है कुछ इस तरह से रेशियो देखने में होता है। लाइक मान लो एक्स बाई वाई मतलब इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दे लाइक फोर बाई सपोज हो गया थ्री। ठीक है इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो फॉर्मेट। ठीक है रेशियो फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे मान लो रुपीज 10 एंड रुपीज 12 का अगर हमें रेशियो फॉर्म करने बोले देन हम लोग क्या करते हैं रुपीज 10 एक्चुअली रेशियो मतलब डिवाइड ही होता है बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से होता है। ठीक है रुपीज 12। ठीक है अब देखो जैसे ही ऊपर भी रुपीज नीचे क्योंकि हमें पता है ये डिवाइड फॉर्मेट है डिवाइड फॉर्मेट को सिंप्लीफाइड किया जाता है तो इसको हम लोग 2 से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं 2 5 10 2 6 12 जो रुपीज रुपीज है वो कैंसिल हो गया बच्चा क्या 5/6 और इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे 5:6। इस वजह से रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। पहला पॉइंट देखो रेशियो का जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो जो है वो यूनिट फ्री होता है। क्यों यूनिट फ्री होता है ये देखो डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब ये जो है ना ये रिलेशन बताता है। ठीक है ये रिलेशन बताता है ये दोनों टर्म के अंदर रिलेशन बताता है तो इसीलिए रेशियो जो है ये यूनिट फ्री होता है और रेशियो उसी डिजिट उसी डेटा का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें सेम यूनिट होता है। ठीक है लाइक सेम यूनिट होता है जैसे कि मान लो रुपीज 10 के साथ हम लोग 12 आवर्स का रेशियो नहीं कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि रुपीज 10 के साथ 12 आवर्स का रिलेशन कैसे बिल्डअप करेंगे तो इस वजह से जो है मतलब यहाँ पर कभी भी सेम यूनिट के अलावा हम लोग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है यहाँ से हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। देखो We use ratio in many ways in principle, practical fields. For example, it is given that a certain sum of money is divided into 3 parts in the given ratio. If first part is given, then we can find out the total amount and the other 2 parts. मतलब मान लो कि हमें बोल दिया गया है कि तीन जन A, B, C, तीन person के अंदर हम लोग जो है कुछ एक amount कैसे distribute किए हैं 1:1:1 में distribute किए हैं। ठीक है पार्टनरशिप तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो तो ये पार्टनरशिप जैसा ही मान लो कि तीन पर्सन को हम लोगों ने 1:1:1 में कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला है देखो इफ फर्स्ट पार्ट इज गिवन सपोज ए को मिला है 100 ये हमें पता है। ठीक है देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट तो हम लोग टोटल कितना पैसा था वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अदर 2 पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। क्यों कैसे कर सकते हैं देखो ए को कितना मिला है ए को 1 पार्ट मिला है आउट ऑफ कितना आउट ऑफ टोटल टोटल कितना है टोटल ये है तो 1+1+1 है ना तो 1/3 आउट ऑफ 1/3 ए को 1 मिला है और 1/3 मतलब 100 होता है। ठीक है यूनिटरी मेथड से करोगे तो फिर 1 मतलब कितना हो जाएगा ज्यादा होता है 1/3 इज मोर देन 1 मींस पूरा 100% 3 आउट ऑफ 1 मतलब 33.33% होता है तो लाइक 300 मिला टोटल 300 हो गया। देन हम लोग फर्स्ट पार्ट अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ये देखो टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया एंड द अदर 2 पार्ट भी निकाल सकते हैं। अगर 300 पूरा पूरी होता है तो बी को कितना मिला होगा 300 का 1/3 इस तरह से हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं सेम प्रोसेस से प्रॉफिट का कैलकुलेशन रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं 100 फिर 300 × 1/3 ये हो गया 100। ठीक है इस तरह से होता है। अच्छा ये पॉइंट यही बोल रहा है अब आगे देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में
In case when ratio of two boy ratio of boys and girls in a school is given and the total number of students is also given, then we can know the number of boys in the school. We can find out the number of girls of that school by using the ratios. जैसे मान लो कोई भी एक school में boys और girls का जो ratio है, for example वो है 2:3, ठीक है, और total जो student है वो मान लो है 500, ठीक है, तो कितने boys है 500 इंटू 2/5, क्यों, क्योंकि रेशियो के हिसाब से टोटल 5 होता है और उसमें आउट ऑफ 5 2 जो है वो बॉयज का प्रोपोर्शन है, मतलब तो रेशियो है, तो ये हो गया 200, ठीक है, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 500 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये हो गया 300. तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सब तुम लोग को पता है, नया बात नहीं है, ये ऐसा चीज नॉर्मली हम लोग करते हैं, ठीक है, अभी अकाउंट्स में भी यूज कर रहे हैं, मैथ्स में भी हम लोगों ने कभी ना कभी किया ही है, नाइन क्लास में, टेंथ में, 11, 12, ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेशियो बेसिकली क्या है, कंपैरिजन है. देखो अभी हम लोगों ने कंपैरिजन निकाला कि ए बी सी में से तीनों में से किसको कितना पैसा मिला, ठीक है, इससे कंपेयर करके पता चला सबको 100-100 मिला. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि स्कूल में कितने बॉयज है कंपेयर टू कितने गर्ल्स, ठीक है, ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, ठीक है, डिवीजन फॉर्मेट यूज किया जाता है रेशियो में, सेम काइंड होना चाहिए, अलग अलग काइंड में होगा तो नहीं होगा, मीन्स अलग रेशियोज होगा तो नहीं होगा. अब देखो सॉरी अलग यूनिट होगा तो नहीं होगा. इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब सेम यूनिट, देन द फ्रैक्शन A by B fraction is called ratio A to B. इसको कैसे read किया जाता है? A to B, ठीक है? A to B का मतलब ही हो जाता है A by B. और A by B को हम लोग इस तरह से present कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज बोला है. देखो, it was written as it is written as A is to B. Thus the ratio of A to B equal to A by B or A is to B. ये हमें वैसे भी पता है, ठीक है, हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स, और ए बी को क्या बोला जाता है, ए बी को बोला जाता है टर्म्स. ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं मेन मेन पॉइंट जिससे एमसीक्यूज आता है, ठीक है, ए बाई बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है टर्म, और ए का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का नाम हो जाएगा, एक स्पेशली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट, और बी को क्या बोलेंगे, बी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंसिक, ठीक है, ये थोड़ा टर्म जो है टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, इससे एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म, या फिर कंसिक्वेंट. अच्छा अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया है 5:6, 5 and 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो, 5 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, 6 इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, नॉर्मल सा बात है, ठीक है. ये देखो अगर 5:6 कोई रेशियो है, देन 5 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, या फिर क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, ठीक है, 6 को क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट, हो गया. अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग गुड इवनिंग राहुल, ठीक है, चलो मेरा आवाज आ रहा है तो सबको, हेलो, अच्छा ठीक है. अच्छा देखो तो यहाँ पर ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द, ये देखो यहाँ पर एक रिमार्क है, इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, एग्जांपल से इसको हम समझा देते हैं. ये क्या बोल रहा है कि दो रेशियो का जो भी दो टर्म है, देखो लाइक जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कर लिया 12:16 है, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 12:16, आराम से ही लिख सकते हैं. अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 32, ठीक है. अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, मेन जो था ओरिजिनल जो था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये कितने से डिवाइड जाएगा, 8 से, 8 3 24, 8 4 32,
ठीक है, मतलब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, इससे आगे नहीं स्प्लिट कर सकते। तो अगर हम लोग किसी रेशियो को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहता है, ठीक है। वो देखने में भले ही चेंज हो गया, 12 to 24 दिख रहा है, 16 to 32 दिख रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनलिटी जो है, वो कभी ट्रांस मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा है वैसा ही रहेगा अगर हम लोग सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, अलग अलग नहीं। लाइक यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, तो नहीं होगा। सेम अमाउंट से करना चाहिए तो उसका ओरिजिनल जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। अब सेम अमाउंट से इनटू करो चाहे सेम अमाउंट से डिवाइड करो, जैसे 12 by 2 16 सॉरी वाई बोल रहे, डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात है। तो ये 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी ये 8 नहीं होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 8 हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 3 to 4, है ना, वही रहा ओरिजिनल फॉर्म जो है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे 2 से डिवाइड। क्या 2 ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया। यहाँ पर इंटू 3 3 कर लो, इंटू 4 4 कर लो, 5 कर लो, जो भी चाहे, 0.1.5 1.5 कर लो, बात तो एक ही है ना। क्यों देखो, बात एक ही है, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाता है, वही रहता है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में ही तो सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी से इंक्रीज किया, इनकेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एंड इनकेस ऑफ डिवाइडेशन सेम अमाउंट से जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है। तो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो कभी नहीं चेंज होता है, ओरिजिनल मतलब सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है, सिंपलीफाइड फॉर्म ये हो गया। अब देखो यहाँ पर वही बोला है, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो, बोथ टर्म्स एक नहीं, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई द सेम, नॉन जीरो होना चाहिए। देखो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना भाई, जीरो से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 by 0, और 0 by 0 क्या होता है बोल सकते हो, बोल सकते हो 0 by 0 क्या होता है, 0 by 0 क्या होता है, बोलो क्या होता है 0 by 0, बोलो, अरे जो आता है वही बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 by 0 क्या होता है, 0 by 3 कितना होता है, बोलो, अच्छा बोलो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड करेक्ट। ये वाला क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, कैलकुलेटर में करोगे ई दिखेगा, ई ई एरर। 0 by 3 कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो सम मतलब डिवाइडेड अगर नीचे 0 है तो वो ऑलवेज अनडिफाइंड होगा। 3 by 0 भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया, और इसको कैलकुलेटर में चेक करके देखो, अभी एरर ही दिखेगा। तो नॉन जीरो होना चाहिए ना, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, चाहे डिवाइड कर लो 12 by 0 और 16 by 0, तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बोल दिया नॉन जीरो होना चाहिए। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, हमेशा रेशियो को लोएस्ट टर्म में दिखाया जाता है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट टर्म, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है, मतलब 3 by 4 को और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जैसे एक इलस्ट्रेशन दिया, ये यहाँ से ही समझा देते हैं। देखो क्या बोला है, 12 is to 16 इक्वल टू 12 by 16, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, 3 into 4 4 into 4, 3 by 4, 3 to 4, ये क्या बता रहा है, देखो 12 मतलब ये ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है तुम लोग को, 12 by 16 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है, ये 4, 3 by 4 हो गया। अब इसमें 4 और 4 मल्टीप्लाई किया है तो वही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, छोड़ो इसको लेके ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म बताने के लिए बोला है। अच्छा तो ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो का ऑर्डर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इन द सेंस मतलब रेशियो में जो 3 is to 4 है वही 4 is to 3 नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अभी बॉयज वाला और गर्ल्स वाला मैंने स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था कि स्कूल में 500 लोग हैं और मैंने रेशियो शायद कुछ ऐसा लिया था 2 is to 3 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऐसा लिया था, ठीक है। तो 500 into 2 by 5 जब करते हो तो 200 जो है वो बॉयज को डिनोट करता है, और 500 into जब 3 by 5 करते हो तो 300 जो है वो गर्ल्स को डिनोट करता है रेशियो के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान ना दे और हम लोग मान लेते हैं कि 2 is to 3 जो है वही 3 is to 2 है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा बॉयज के लिए कौन सा गर्ल्स के लिए, इसीलिए दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। अगर हम लोग 3 is to 2 में कैलकुलेट करते हैं तो 3 जो है फिर वो बॉयज का चला जाएगा, अगर हम लोग पहला 3 कर देंगे, ठीक है।
तो इसका बोलने का मतलब इतना ही होता है कि थ्री से जो वैल्यू निकल रहा है, टू से जो निकल रहा है, वो सेम चीज नहीं होगा, ठीक है? ये डिपेंड करता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, सेकेंड टर्म ही होगा. फर्स्ट और सेकेंड में अगर इंटरचेंज हो जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है? रेशियो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर सेम क्वांटिटी है, सॉरी सेम काइंड है, अदरवाइज नहीं करेगा. जैसे कि देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास और सैलरी ऑफ ए टीचर कभी भी इसका रेशियो नहीं बन सकता है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और किसी टीचर को सैलरी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 25,000, तो ये रुपीज में है, ये नंबर में है, ठीक है? तो ये रुपीज और ये नंबर, क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट नहीं है, सेम काइंड नहीं है, तो इनका रेशियो नहीं बन सकता है, ठीक है? इसके अलावा वेट ऑफ वन चाइल्ड, ठीक है, मान लो किसी का वेट है 25 किलो फॉर एग्जाम्पल, और एज ऑफ अनदर चिल्ड्रन, मान लो किसी का एज है 10 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो इसका रेशियो नहीं बन सकता है, ठीक है? तो क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट. अगर हमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ रुपीज का, किसी के सैलरी के साथ किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंपेरिजन क्या होगा? दो टीचर का सैलरी का कंपेरिजन हो सकता है कि इनका इतना है उनका इतना है, दो क्लास में स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंपेरिजन कर सकते हैं. कंक्लूजन क्या लाएंगे? कंक्लूजन तो कुछ ला ही नहीं सकते हैं अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये कंपेरिजन बेस्ड है. तो कंपेयर तो सेम चीजों पर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैथ का जो मान लो मार्क्स आया है उसके साथ, तो और हम अकाउंट्स के मार्क्स का कंपेयर नहीं कर सकते हैं. अगर मैंने टेस्ट लिया ही है तो मुझे मैथ का जो इंक्रीमेंट है, या फिर अगर खराब भी हुआ है रिजल्ट, तो मुझे मैथ के साथ ही कंपेयर करके पता चलेगा, अकाउंट्स के साथ थोड़ी ना चलेगा. तो सेम चीज क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कंपेरेबल यूनिट है, ठीक है? इसीलिए सेम यूनिट सेम काइंड होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी रेशियो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि 150 ग्राम और 2 किलो में कैसे रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो ये भले ही सेम एकदम सेम यूनिट में नहीं है, बट इसका कन्वर्जन पॉसिबल है, इसका कन्वर्जन पॉसिबल है. जैसे या तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर लो, या तो किलो को ग्राम में कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हम किलो को ग्राम में ही कर लेते हैं. 150 ग्राम और 1 किलो यानी 1000 ग्राम होता है, तो ये हो गया 2000 ग्राम, है ना? 1 किलो यानी कितना होता है, ये 1000 ग्राम, ये पता है ना तुम लोगों को, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, 1000 होता है. तो 2 किलो यानी 2000 ग्राम, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 4 20, 3 40 रेशियो, ठीक है? ग्राम ग्राम कैंसिल, और ये क्योंकि कैंसिल हो जाता है, दैट्स व्हाई ये यूनिट फ्री होता है. 25 मिनट्स 45 सेकंड, और एग्जैक्टली दोनों यूनिट सेम नहीं है, बट इसका कन्वर्जन पॉसिबल है. जैसे मिनट को सेकंड बना लो, या सेकंड को मिनट बना लो, कोई भी चलेगा. तो मिनट को सेकंड बना लेते हैं, 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है? तो 25 मिनट्स इक्वल टू कितना सेकंड होगा, ज्यादा, तो 25 × 60 कर लो, कितना आ गया, यहाँ पर इंटू करने पे ये आ जाएगा 1500. 1500 सेकेंड डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाइड करने पे कितना हो जाएगा, 15 से करो, 15 और ये 15 × 3 = 45, 100 is to 3 हो गया, ठीक है? तो कुछ कुछ यूनिट ऐसे देखने में होगा जो बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन क्या कन्वर्जन पॉसिबल है? अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो हम लोग कन्वर्ट करके कर लेंगे. नेक्स्ट देखो, रेशियो बिटवीन 3 kg and 5 kg, तो ठीक है, 3/5 लिखो, यानी 3 kg/5 kg. इसको अगर हम लोग इलाबोरेटली दिखाते हैं तो किलो किलो कम कट गया, 3:5 हो, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, टू कंपेयर टू रेशियोज, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है? ये चीज हम लोग जब पार्टनरशिप कर रहे थे, तो जब मैंने रेशियो पढ़ाया तुम लोगों को, तो ये वाला पॉइंट बहुत बार आया था. सेम चीज नहीं था, बेस सेम होना चाहिए, नहीं तो रेशियो नहीं होता है. तो हमें ये देखो, टू कंपेयर टू रेशियो, जैसे यहाँ पर कंपेयर करने बोला, ये एक रेशियो है, यहाँ पर ये एक रेशियो है, ये दोनों रेशियो में से टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है, वो हमें कैलकुलेट करने बोला है. तो कंपेयर करने बोला है दो रेशियो को, ठीक है? और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा. तो देखो, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम ये करके दिखाते हैं. पहला रेशियो है 2 1/3, 2 1/3, ठीक है? और दूसरा रेशियो है 3 1/3, ये एक रेशियो है, ठीक है? ये हो गया, ये एक रेशियो है. सेकंड वाला जो है 3.6 था, चेक कर लेते, 3.6 और 4.8 is to
4.8 हमें पूछा है ये बिगर फॉर्म है कि ये बिगर फॉर्म है, तो इसको सिंप्लीफाइड करते पहले 3 × 2 6 + 1 7/3 = 10/3 ठीक है। अब इसका रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा 7:10 हो जाएगा, दोनों में नीचे 3:3 है, 3:3 हम लोग हटा सकते हैं या फिर एक्चुअली इसका जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो क्या है 3, 3 मतलब दोनों 3 का एलसीएम करो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 तो एलसीएम क्या बन गया 3 × 1 × 1 = 3 तो एक्चुअली क्या होता है इसको अगर डिटेल्स में हम लोग करना चाहिए ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स में बता रखा है फिर भी ये ऐसे मल्टीप्लाइड होता है ये ऐसे मल्टीप्लाइड होता है ठीक है 3, 3, 3, 3 कैंसिल 7:10 हो गया ठीक है। अब इसको अगर हमें कंपेयर करना है 3.6 मतलब 36/10 हो जाएगा क्यों अगर हम लोग पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं तो उसका रूल्स क्या होता है एक वन लिखो और पॉइंट के बाद जितने सारे नंबर है उतना जीरो लिखो तो पॉइंट के बाद एक नंबर है इसीलिए 10 हो गया 4.8 तो 48 मतलब पॉइंट हटा देना है तो पॉइंट हटाने से जितने भी नंबर बचेंगे वो नंबर लिखा जाता है दैट इज 48। अब क्या करेंगे एक वन लिख देंगे फिक्स्ड रहता है ये। अब पॉइंट के बाद जितने सारे नंबर होंगे उतना जीरो वन के बाद लगता जाएगा तो पॉइंट के बाद एक एट है तो यहाँ पर एक जीरो लग गया। सिमिलरली 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है 10 होता है तो हम लोग इसको 36:48 लिख सकते हैं बट ये सिंप्लीफाइड नहीं है दिख रहा है क्योंकि इसे और भी हम लोग डिवाइड करके सिंप्लीफाइड कर सकते हैं तो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 से अगर कैंसिल करते हैं ये 9 हो गया और भी हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3:4 हो गया। तो अगर देखो ये वाला हो गया हम लोग का 7/10 ठीक है ये हो गया 3/4। अब हमें बताना है कि ये बिगर फॉर्मेट है कि ये बिगर फॉर्मेट है ठीक है ये ज्यादा अमाउंट है कि ये ज्यादा अमाउंट है ये हमें बताना है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखो दो तीन तरीके से कर सकते हैं 7/10 3/4 हम पहले एक जो मैट में है इंस्टीट्यूट ने जो रेफर कर रखा है वो दिखा देते 7/10 एंड दूसरा वाला है 3/4 ठीक है 3/4 पहले हम लोग क्या करेंगे 10 और 4 का एलसीएम करेंगे 10 एंड 4 का एलसीएम तो एलसीएम हो जाता है 20 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 7/10 इस तरह से कर सकते हैं 3/4 ठीक है 3/4 तो यहां पर 7/10 3/4 into 5 ऐसा क्यों किया बताते हैं क्योंकि हमें क्या करना है सबके बेस में 20 लाना है इसके बेस में 20 लाना है तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब मैंने बोला रेशियो को ओरिजिनल रखना है हम लोग अचानक से चेंज नहीं कर सकते तो सेम काइंड से मल्टीप्लाई तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो वही चीज मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली करके दिखाया ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का 14 और ये हो गया 20 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर 20 करना है तो इंटू 5 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 5 करेंगे ताकि ओरिजिनल डेटा ना चेंज हो तो इंटू 5 और इंटू 5 कर दिया ठीक है। तो ये 15 और ये हो गया 20 तो देखो कंपेरिजन अब पॉसिबल है 14/20 और 15/20 ठीक है। तो इन दोनों में से बिगर कौन है 20 out of 14 20 out of 15 तो ऑब्वियसली 20 out of 15 जो है वो ज्यादा है 15 greater than 14 होता है ठीक है। तो ये वाला ज्यादा हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मेट था ये 3/4 का था और 3/4 कैसे आया इस तरह से तो इन दोनों रेशियो में से बिगर कौन है 3.6 to 4.8 जो है ये ग्रेटर है कंपेयर टू और एक जो डेटा दिया हुआ था उससे ठीक है। अच्छा और एक तरीका जो हम बोल रहे थे उससे भी हम लोग कर सकते हैं देखते हैं उससे कैसे आता है एक सेकेंड हम एक बार चेक करते हैं कि उस तरह से होगा कि नहीं। हाँ होगा ये देखो इसमें अगर इसको अगर हम लोग परसेंटेज में ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है तुम लोग का तो एमसीक्यू रहेगा वहां पर तो सॉल्व करके दिखाना है नहीं ठीक है। इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करो 70% इसको परसेंटेज में ट्रांसफर करो 75% तो ऑब्वियसली 75% ज्यादा होता है तो ये वाला रेशियो हो गया ज्यादा लेकिन बाकी ये फॉर्मेट से इंस्टीट्यूट ने कर रखा है तो मैंने इसलिए एक बार बता दिया बाकी फॉर्मेट वहां पर कोई नहीं देखेगा क्योंकि एमसीक्यू होगा तो कैसे भी सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है हमें आंसर करने से मतलब। अच्छा नेक्स्ट देखो ये हो गया
अच्छा इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए इज टू बी देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए, ये वाला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला याद रखना पड़ेगा. उसके लिए ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, रौनक वेट्स 56.7 केजी, रौनक का वेट है 56.7 केजी अभी करेंटली. If he reduces his weight, अब वो वेट लूज कर रहा है इन द रेशियो 7:6, 7:6 रेशियो पे वो अपना वेट लूज कर रहा है. फाइंड हिज न्यू वेट, देखो क्या बोला, इफ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो ये क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इन रेशियो ए इज टू बी, इस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू क्वांटिटी क्या होगा, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगा बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी. बी मतलब ये ए होगा, ये हमेशा बी होगा क्योंकि देखो फॉर्मेट ऐसा दे रखा है, तो ये ए ये बी हो गया, तो बी ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए मतलब डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7. अब इसको कैलकुलेटर में चेक करते हैं क्योंकि कैलकुलेटर यूज करने मिलेगा तुम लोगों को, तो कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है. तो 48.6 जो है ये न्यू वेट हो गया, तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो मैट है सामने, तो जो भी पॉइंट बोल रहे उसको मार्क करते जाओ, हो जाएगा. If a quantity increase or decrease, अब ये सिर्फ decrease पे applicable नहीं, ये increase पे भी applicable है, ठीक है. तो next क्या बोला है, the fraction by which the original quantity is multiplied to get a new quantity, जिस fraction को हम लोग multiply कर रहे हैं original quantity के साथ new quantity पाने के लिए, उसको बोलते हैं factor multiplying ratio. मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे factor multiplying ratio, ठीक है, ये बन जाता है फैक्टर मल्टीप्लाई रेशियो. नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई करने बोला, ये तुम लोग पार्टनरशिप में ऑलरेडी कर चुके हो और अभी भी मैंने सिखाया, 1/3 is to 1/8 is to 1/6. सिंप्लीफाइड क्यों करने बोला, क्योंकि सबका बेस अलग अलग है, ये 3 out of 1, ये 8 out of 1, ये 6 out of 1, तो ये कंपेरेबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबका एलसीएम करेंगे, 3, 8 and 6 का, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 24, 24, 24, तो 8:3:4, ये देखो 8:3:4, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग अकाउंट्स में कर ही रहे हैं पार्टनरशिप में, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है. नेक्स्ट क्या बोला है, देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5. देखो यहाँ पर पहले बॉयज का नाम लिया गया है, दैट मींस 3 डिनोट कर रहा है बॉयज को, ठीक है, और बोल रहा है देखो बॉयज टू द नंबर, टू मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ए टू बी का मतलब ही ए बाई बी, और इसी को हम लोग ए इज टू बी में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ए टू बी बोला है, तो इसका मतलब बॉयज टू गर्ल्स बोला है, तो पहले बॉयज वाला डिनोट हो रहा है फिर ये गर्ल्स वाला. अच्छा टोटल कितने लोग हैं, 720, अच्छा 3:5 ये है गर्ल्स, ठीक है, 3:5. अब क्या बोल रहा है, 18 न्यू गर्ल आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 जो है न्यू गर्ल्स एडमिटेड हुए स्कूल में, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3. क्या बोला है, करेंटली टोटल 720 स्टूडेंट है और रेशियो है बॉयज गर्ल्स का 3:5. अब नए 18 गर्ल्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने बॉयज ज्वाइन करे ताकि हम लोग का जो नया रेशियो है बॉयज इज टू गर्ल का वो 2:3 हो जाए, ठीक है. तो पहले कितने बॉयज थे स्कूल में और कितने गर्ल्स थे वो हम लोग देखेंगे, तो अभी मतलब फ्यूचर नहीं, अभी जो करेंटली चल रहा है वो कितना है, 720 डिवाइडेड बाई 5 into 3, तो यहाँ पर देखो 432 आ रहा है और 720 into 5 by, ओ सॉरी ये 8 होगा, 270, 450, ठीक है, देख लेते हैं. तो ये है, ये 3 जो है वो बॉयज के लिए है, ये जो है ये गर्ल्स के लिए, ठीक है. अब 450 गर्ल्स हैं और 270 बॉयज है, अब 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड हुए हैं, तो गर्ल्स का अभी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितने हो जाएंगी, 450 प्लस 18,
468. अब हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने बॉयज ज्वाइन करें ताकि जो नया रेशियो है वो क्या बन जाए 2:3. ठीक है, तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या चाहिए, बॉयज बाय गर्ल्स चाहिए इनको 2:3. ठीक है, अब बॉयज कितने ज्वाइन करने चाहिए, ऑलरेडी 270 तो है, प्लस कितना करना है वही हमें सोचना है, और गर्ल्स तो 468 हो जा रहा है. मान लेते हैं कि अगर x लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं तो ये रेशियो हो जाएगा इक्विवेलेंट टू दिस रेशियो. अब यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर इसीलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हुआ है, जो हम लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम सारा ही करके दिखाएंगे. तो 270 प्लस x डिवाइडेड बाय 468, ये देखो इक्वल टू 2/3. अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 270 इंटू 3 810 प्लस 3x इक्वल टू 468 इंटू 2, तो ये हो गया 936. तो 3x इक्वल टू 936 माइनस 810 126. तो x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 42. ये देखो अगर 42 बॉयज को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये रेशियो मेंटेन हो जाएगा. तो हेंस द नंबर ऑफ न्यू बॉयज एडमिटेड 42. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो का मतलब ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं. इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, लाइक मान लो ए इज टू बी है, इसका इनवर्स रेशियो हो जाता है बी इज टू ए. ठीक है, इनवर्स मतलब जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट कर देने से जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स रेशियो. और इनवर्स रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स रेशियो, ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा. क्यों, a बाई बी इंटू बी बाई ए कर लो, 1 होगा. अब इसका प्रैक्टिकल भी देखो, जैसे मान लो 2:3 है, इसका इनवर्स रेशियो 3:2. अब इसका इनवर्स रेशियो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते 2/3 इंटू 3/2 तो ये 1 ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो का मतलब ये होता है, ये देखो 1 इज द इनवर्स रेशियो ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1. अगर हम लोग इसको अपोजिटली भी बोल सकते हैं कि अगर 2 का प्रोडक्ट 1 है तो वो एक दूसरे के इनवर्स रेशियो है, या फिर इनवर्स रेशियो और ओरिजिनल रेशियो का प्रोडक्ट 1 होता है. बात एक ही है, अगर हम लोग 2 का, ये और इस रेशियो का प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, दैट मींस ये दो क्या है, अपने आप में इनवर्स रेशियो है. दस ए टू बी इज द इनवर्स रेशियो बी टू ए एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज बोला है, देखो ये प्रॉपर्टीज जो है हम यहाँ पर लिख के दिखा देते, ये सब इम्पोर्टेंट है. पहला प्रॉपर्टीज बोला है, देखो अगर A is to B एक रेशियो है जहां पर A greater than B है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, A greater than B है तो इसको हम लोग बोलेंगे greater inequality. ठीक है, और अगर B greater than A है तो हम लोग इसको बोलेंगे less inequality. मतलब सीधा सा बात है, अगर ऐसा 2:1 है, ठीक है, 2:1 है तो 2 > 1 हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर इन इक्वालिटी, ये वाला हो गया ये ग्रेटर इन इक्वालिटी. ठीक है, और अगर ऐसा लाइक 2:5, ठीक है, तो 2 < 5 हो गया. ठीक है, यानी या फिर बोल लो कि बी ग्रेटर देन ए हो गया, देन इसे हम लोग बोलेंगे लेस इन इक्वालिटी. ये एक प्रॉपर्टी हो गया, मतलब टर्म है, टर्मिनोलॉजी याद रखना है. सेकेंड देखो, यहाँ पर जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, जैसे 3:4 एंड 5:7. ठीक है, अगर पूछे इसका कंपाउंड रेशियो क्या, अगर हमें पूछे कंपाउंड रेशियो क्या है इन दोनों रेशियो का, तो एक्चुअली हमें करने क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन. लाइक ऐसे हो जाएगा 3/4 इंटू 5/7, तो ये कितना हो गया 15 और ये हो गया 28. ठीक है, कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दोनों रेशियो का मल्टीप्लीकेशन. ये देखो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2 एज टू बी एंड सी टू डी इज ए सी इज टू बी डी. मतलब ए इज टू बी और कंपाउंड करना है हमें सी इज टू डी में, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, तो ये क्या हो गया ए सी बाई बी डी. कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, बस यहाँ पर इतना ही हमें याद रखना है. ठीक है, अच्छा अगर कंपाउंडेड इटसेल्फ होता है
compounded itself, then duplicate ratio. Duplicate ratio. कैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लो 2:3 को कंपाउंड करना है इटसेल्फ, मतलब एंड 2:3 होना चाहिए. 2:3 को 2:3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी कंपाउंडेड इटसेल्फ होगा. कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई, अभी अभी बोला मैंने. तो 2/3 × 2/3 तो ये कितना हो गया, 4/9. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाता है, सिंप्लीफाई करने से सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, ये तो सेम डिजिट से जाएगा नहीं, तो ये 4/9 हो गया. ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट बोल रहे हैं. अब इसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, 2² 3² ठीक है, मतलब 2/2 2/3 ठीक है. तो इस चीज को यहाँ पर बोला जाता है डुप्लीकेट. ठीक है, ये दो का डुप्लीकेट है, मतलब 2 और 1 2 3 और 1 3 ठीक है. इसीलिए इसको बोलते हैं कि अगर कोई रेशियो अपने आप से कंपाउंड होता है तो उसको बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो. तो यानी A:B, अगर A:B जो है इसको अगर हम लोग डुप्लीकेट रेशियो करना चाहे तो A:B एंड A:B में कंपाउंड करवाना पड़ेगा. ये जनरल फॉर्म बता रहे, तो A²/B², ये देखो यहाँ पर बोला है ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो. यहाँ पर एग्जांपल्स दिया जो मैंने भी दिखाया. नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो. देखो वो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 4:9 ठीक है. 4:9 को अगर हम लोग √4:√9 कर देते, मतलब रेशियो का रूट कर देते, तो ये आ गया 2:3 ठीक है. इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो. तो कौन डुप्लीकेट और सॉरी कौन ओरिजिनल है, कौन सब डुप्लीकेट है ठीक है. तो ये कौन सा है, ये ओरिजिनल है. तो और ये कौन सा है, ये है सब डुप्लीकेट ठीक है. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे A:B, इसका सब डुप्लीकेट क्या है, √A:√B ठीक है. ये हो गया सब डुप्लीकेट. अब सब ट्रिप्लीकेट देखो, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, A:B इसका सब ट्रिप्लीकेट. सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा ऐसे, इसको भी समझा देते हैं. देखो ये होता है ठीक है. अब इसका पहले एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर इस चीज को एक बार समझा देते हैं. जैसे ये तो मैंने जनरल फॉर्म दिया, इसका एक एग्जांपल इस तरह से नंबर लेके देते हैं. जैसे मान लो यहाँ पर है 8:27 ठीक है. ये ओरिजिनल है, इसका सब ट्रिप्लीकेट हमें कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, 3/8 और 3/27. अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 8^1/3 27^1/3 ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देते हैं. 8 मतलब 2^3 3^3 मतलब 27 और 1/3 तो ये हो गया 2:3 ठीक है. 3 कैंसिल हो गया. देखो समझाते हैं, अगर कहीं पर हम लोग ये दिखाते हैं कि √4 मतलब 2, ये क्यों होता है. एक्चुअली रूट जब लिखा जाता है यहाँ पर 2 माना जाता है, वो लिखा नहीं जाता है ठीक है. जैसे अगर हम लोग ऐसे 4-5 लिखते हैं तो इसके आगे प्लस है, बट उसे लिखना नहीं पड़ता है. या फिर मान लो जो अकाउंटेंसी तुम लोग करते हो वहां पर क्या होता है कि समथिंग डेबिट 2 करते हो, क्रेडिट के आगे 2 लिखते हो, बट डेबिट के आगे बाई नहीं दिखाया जाता है ठीक है. उसी तरह से रूट 4 में 2 होता है, लेकिन ये 2th रूट हम लोग नहीं दिखाते हैं. अब ये 2th रूट होता है बोल के ये 2 आता है कैसे. 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर ठीक है. 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर. अब अगर कहीं ऐसे साइन के अंदर 2 है तो इसको हम लोग 1/2 दिखाते हैं. ये इंडिसेस में भी तुम लोग को मिलेगा, वहां पर भी सेम चीज मुझे बताना पड़ेगा. मतलब अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए और यहाँ पर बी है तो b^2 1/a हो जाएगा. ये इन जनरल फॉर्मूला होता है. तो 4^2 ये देखो हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार. 4^1/2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 1/2. अब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4^1/2. अब क्या होता है कि ये होता है पावर ठीक है. पावर आउट ऑफ पावर ये मल्टीप्लाइड हो जाता है, हो गया.
टू टू कैंसिल टू, तो इस वजह से टू आता है, ठीक है, इस वजह से टू आता है। अब ट्रिप्लीकेट का मतलब ऐसे हो गया, अभी इसीलिए मैंने थ्री यहाँ पर लिखा है, क्यूबिक होता है तो वन थर्ड, यहाँ पर क्यूबिक होता है तो वन थर्ड। अब एट का क्यूबिक फॉर्म इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है, ये करते करते आदत हो जाएगा, या फिर पता भी होगा तुम लोगों को, टू टू दी पावर थ्री। अब बाहर वाला पावर और मतलब ये दो पावर जो है ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, मल्टीप्लाई हो गया, थ्री थ्री कैंसिल बचा टू, थ्री थ्री कैंसिल बचा थ्री, ठीक है। तो ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट। तो सीधा बात है, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक फॉर्म करो, और सब डुप्लीकेट मतलब जो है रूट ओवर फॉर्म करो, ठीक है। और अगर सिर्फ डुप्लीकेट बोलता है देन हमें क्या करना है, सिर्फ डुप्लीकेट अगर बोलेगा तो हमें स्क्वायर फॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ट्रिप्लीकेट देखेंगे। अच्छा ट्रिप्लीकेट भी मुझे यहीं पर दिखा देना चाहिए था, इसके साथ सिमिलर करके हम भूल गए। ये देखो सब डुप्लीकेट हो गया, तो ये वाला डुप्लीकेट रेशियो, और ट्रिप्लीकेट क्या होगा ये देखो, ट्रिप्लीकेट का मतलब थ्री टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। टू 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 इज टू थ्री का अगर ट्रिप्लीकेट होगा तो दैट इज टू क्यूब थ्री क्यूब। जैसे ये वाला क्या हो गया, टू स्क्वायर ए इज टू बी का क्या हो जाएगा, ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, है ना। टू इज टू थ्री का डुप्लीकेट टू स्क्वायर इज टू थ्री स्क्वायर, वैसे ही टू इज टू थ्री का ट्रिप्लीकेट टू क्यूब इज टू थ्री क्यूब, मतलब एट इज टू 27, ये होता है ट्रिप्लीकेट। मतलब जनरल फॉर्म अगर बोले तो ए इज टू बी का ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ठीक है। जब भी सिर्फ डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट बोलेगा तो डुप्लीकेट यानी दो बार स्क्वायर कर दो, ट्रिप्लीकेट यानी तीन बार क्यूब कर दो, और जब सब बोलेगा तो उसमें हमें रूट ओवर का यूज करना। अच्छा सिक्स नंबर देखते हैं, सिक्स्थ नंबर पे क्या बोल रहा है देखो, ये वाला समझेंगे हम लोग बाद में, इसको क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते, कंटिन्यूड रेशियो देख लेते, ठीक है। कंटिन्यूड कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, कंटिन्यूड रेशियो, या फिर इसको क्या बोला जाता है, कंपैरिजन रेशियो, तो पूरा ही कंपैरिजन है, लेकिन कंटिन्यूड रेशियो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। देखो कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ थ्री और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अभी तक हम लोग दो दो क्वांटिटी का देख रहे थे, मतलब फर्स्ट टर्म कंसिक्वेंट या फिर सेकेंड टर्म, एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट या फर्स्ट या सेकेंड। लेकिन अगर सेम काइंड का दो या उससे ज्यादा होता है तो उसे कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। जैसे एबीसी अगर सिमिलर क्वांटिटीज का है तो हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में उसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक ये वाला देखो ए इज टू बी इज टू सी। लेकिन क्या होना चाहिए, सेम सेम काइंड होना चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि रेशियो का जो मेन जो थीम है वो तो वही है कि जो इनका क्वांटिटी है, सॉरी जो इनका काइंड है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया ए बी सी, ठीक है, ये अगर सिमिलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, मतलब या तो सभी आवर्स में है या तो सभी किलोज में है, ठीक है, सेम क्वांटिटीज और काइंड, देन हम लोग ए इज टू बी इज टू सी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, देन रिटन एज ए इज टू बी इज टू सी, इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे एक दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 कितना होगा, ठीक है, 200 रुपीज, 200, 400 और 600, क्योंकि रुपीज जो है वो डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जा रहा है, रेशियो तो यूनिट फ्री होता है, तो ये 0 0 0 कैंसिल कर दो, 2 4 6, और इसको अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो 1:2:3 हो जाएगा, ठीक है, 1:2:3 हो गया, ये होता है कंटिन्यूड रेशियो। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। बोल रहा है कि मंथली इनकम कैलकुलेट करके बताना है हमें, और दोनों पर्सन्स का हमें इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियोज में दे रखा है, ठीक है, सेविंग्स बता दिया है 50 करके, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, लेट मंथली इनकम बी कितना हो जाएगा,
4:5 है तो इसको हम लोग 4x and 5x कर लेते, मतलब मैंने क्या किया सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ओरिजिनल रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो क्वांटिटी मैंने कोई डिजिट ना लेके x लिया है 4x and 5x, तो ये रुपीज हो गया, ठीक है, रुपीज में दिखा दिया मैंने, रुपीज 4x and रुपीज 5x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि इनका जो सेविंग्स है वो कितना है 50 पर मंथ करके, और ये जो है ये इनकम है, तो सेविंग्स इनकम से अगर हम लोग सेविंग्स माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे भी देख लो, ठीक है, या फिर अगर हम लोग इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेविंग्स, ठीक है, उसी तरह से इनकम माइनस सेविंग्स करोगे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, तो पहले पर्सन का इनकम 4x, उनका सेविंग्स 50, दूसरे पर्सन का इनकम 5x, उनका भी सेविंग्स 50, और दोनों का जो एक्सपेंडिचर, अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या ऐसे ही करने से ही सॉल्व होगा, जरूरी है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग चाहे तो कुछ ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लाइक हम लोग 7:9 एक्सपेंडिचर को ऐसे मान सकते हैं 7x and 9x, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को कैसे यूज कर सकते हैं इस तरह से कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल टू इनकम, ठीक है, जैसा ठीक लगे, मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल टू इनकम वाला रेशियो, यानी 4:5, यहाँ भी सॉल्व करने से जो आंसर आएगा, यहाँ भी सॉल्व करने से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9 से ये मल्टीप्लाई करो, 36x - 450 इक्वल टू 35x - 350, ये इधर आ जाएगा तो x हो गया, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100, x का वैल्यू आ गया 100, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि मंथली इनकम बता दो, तो इनकम ये है 4 x, तो इनकम है 4 × 100 और 5 × 100, ठीक है, तो ये हो गया 400 और ये 500, लेकिन ये करने में फायदा क्यों है, क्योंकि हमें मंथली इनकम पूछा है ना कि एक्सपेंडिचर पूछा है, अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो ठीक रहता, नहीं तो फिर से हमें इस पे डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे फिर उस पे 50 ऐड करके इनकम दिखाएंगे, इसमें भी हो जाएगा, देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 × 5 35x + 250 36x + 200, ये इधर आ गया x हो गया माइनस x और ये इधर चला गया माइनस 50 हो गया, ठीक है, तो x का वैल्यू 50 हो गया, तो 7 × 50 कितना होता है 7 × 50 हो जाता है 350, तो 350 एक्सपेंडिचर और 9 × 50 450 एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हमें एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, हमें इनकम पूछा है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स करो, तो यहाँ पर आ गया 400, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स करो यहाँ पर आ गया 500, बट ये तो टाइम फालतू का जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें तो पूछा ही नहीं एक्सपेंडिचर क्या है, उसके बाद हमें और एक स्टेप करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो है टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमें सीखने को मिलता है कि कौन सा हमें एक्स से मल्टीप्लाई करके लेना चाहिए, जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इनकम, तो इनकम को एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23, दो घर के प्राइसेस बता रखे हैं, 2 years later when the price of the first has increased by 10% and that of the second by 477, the ratio of the prices become 11:20, find the original prices of the two houses, ठीक है, तो original price कौन सा है, ये वाला अभी जो चल रहा है, आगे जाके ये बढ़ने वाला है, एक 10% पे एक का क्वांटिटी बता दिया, अमाउंट बता दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे, ओरिजिनल प्राइस कौन सा है 16:23, तो ये देखो दूसरा वाला एग्जांपल, तो ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, तो उसी पे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16:23, तो 16x and 23x, ठीक है। अब ओरिजिनल प्राइस है और एक का प्राइस कैसे बढ़ रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है 10%, तो 16 पे 10% इंक्रीज हो जाएगा, 16 तो रहेगा ही और उस पे इंक्रीज्ड प्राइस लगेगा, ठीक है। अच्छा और दूसरे वाले पे बोला है 477, 23x था, इसमें हो जाएगा 477, और अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो नया जो रेशियो बनेगा वो 11:20 का बनेगा, ठीक है, तो
यहाँ पर चेक करते कितना होगा, ये हो गया रुपीज 16 प्लस, ये हो गया 16 का 10%, ये एक्चुअली 16x होगा, 16 का 10% मतलब 1.6x, 23x प्लस 477, 11 by 10. अब 16x प्लस 1.6 तो ये हो गया 17.6x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477 इक्वल टू 11 बाय 20. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इनटू ये वाला अमाउंट यानी 352x इक्वल टू 11 इनटू 23, 253x प्लस 477 इनटू 11, 5247. अब ये इधर आ जाएगा माइनस 352 माइनस 253, 99x, 5247, x इक्वल टू 5247 डिवाइडेड बाय 99, 53 आ गया, x का वैल्यू 53 आ गया. हम लोग को पूछा था ओरिजिनल प्राइस बता दो, तो ओरिजिनल प्राइस ये है, ठीक है, तो 16 इंटू 53 और 23 into 53 हम लोग को प्राइस पता चल जाएगा. तो ये है रुपीज 840, वन टू वन नाइन ये आ जाएगा. चलो चेक करते हैं 1219 और रुपीज 848, हाँ ये आ, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 बोला है फाइंड द रेशियो विल, सॉरी फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेज ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस 22:25, ठीक है. तो थोड़ा सा अलग है ये वाला क्वेश्चन. यहाँ पर क्या बोला है, हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री भी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. टोटल वेजेस किसी एक फैक्ट्री में वर्कर लोगों को जो डेली पेमेंट किया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं. वेजेस जो है वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, वो कौन से रेशियो में कर रहा है. इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11, वर्कर का रिडक्शन है 15:11, इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस 22:25. तो नया मतलब देखो दो चार जो है चीज एक साथ हो रहा है. एक तो वर्कर लोगों का नंबर में रिडक्शन हो रहा है, मतलब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, और जो है उनका जो वेजेस है वो बढ़ रहा है. अगर यही सिचुएशन है तो ओवरऑल कॉस्ट कितना पड़ रहा है कंपनी का, मतलब वेजेस कॉस्ट कितना पड़ रहा है, लेबर लोगों को रखने का खर्चा कितना पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. अगर हो रहा है तो कौन से रेशियो में हो रहा है, ये हमें पूछा है. देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ वर्कर एंड वेजेस इज वेजेस पर वर्कर इज नाउ, मतलब अभी कितना है, तो एक्स एंड रुपीज वाई, मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि अभी टोटल वर्कर है एक्स और हर एक वर्कर को वेजेस देना पड़ता है रुपीज वाई करके. तो मुझे ये बोलो कि टोटल वेजेस कितना होगा, टोटल वेजेस अभी कितना देना पड़ता है. कोई एक कंपनी में एक्स वर्कर है, या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई एक कंपनी में 10 वर्कर है और हर एक वर्कर को देना पड़ता है रुपीज 5 पर वर्कर, तो बोलो कंपनी का कितना खर्चा होता होगा 10 वर्कर को रखने का, ये मुझे बताओ. बोलो 50 रुपीज, करेक्ट 50 रुपीज, ठीक है, 10 into 5 50 रुपीज का खर्चा होता है. तो वही होता है वेजेस, ठीक है, इसी को बोलते वेजेस, मतलब कितना पैसा देना पड़ रहा है. तो 50 रुपए टोटल निकालेंगे ना कि कंपनी का कितना खर्चा है लोगों को रखने का. यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी तरह से x into y यानी रुपीज एक्स वाई, ठीक है, ये पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है. अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग को बोला है कि रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ वर्कर का, तो आफ्टर रिडक्शन वर्कर कितने होंगे, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, उसके लिए हमें ये वाला
पॉइंट याद रखना चाहिए, जो रौनक वाला के एग्जांपल था ना, रौनक अपना वेट लूज कर रहा है, तो अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए, मैंने बोला था ना ये याद रखना पड़ेगा, बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर रेशियो क्या बोल दिया है, देखो रेशियो बोल दिया है, अच्छा मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो रेशियो बोल दिया है 15:11, ठीक है, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, 15:11 बोला है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, ठीक है, 15:11 है रिडक्शन का रेशियो, ठीक है, तो बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ये बी है, ये ए है ना, तो 11 × x डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 11 × x डिवाइडेड बाई 15, ये रिडक्शन के बाद वर्कर के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट, क्योंकि पेमेंट में इंक्रीमेंट क्या है कंपनी ने, आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस पर वर्कर कितने हो जाएंगे, इंक्रीमेंट किस रेशियो पे क्या है, देखो इंक्रीमेंट क्या है 22:25, तो ये होता है B, ये होता है A, तो हमें क्या करना है B of original quantity, तो B मतलब 25 of original quantity divided by A, original quantity किस चीज का increment calculate कर रहे हैं, wages का, wages कितना है XY, तो ये हो गया XY, ठीक है XY हो गया, तो ये होता है 11x/50 और ये होता है 25xy divided by 22, ठीक है। तो लोगों के कुछ चले जाने के बाद, वर्कर मूवमेंट होने के बाद, वर्कर लेफ्ट करने के बाद, इतने वर्कर हैं और इतना वेजेस अगर एक वर्कर को देना पड़ रहा है, क्योंकि xy क्या था, xy था मतलब हम लोग पर वर्कर के बेसिस पे कैलकुलेट करें ना, तो पर वर्कर के बेसिस पे टोटल ये वेजेस हो रहा है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस ये हो जा रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, ये इंक्रीमेंट है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस आफ्टर चेंज, जो भी चेंजेस हुआ नंबर ऑफ वर्कर में और मतलब वेजेस के पेमेंट में, तो 11x/15 वर्कर को अभी वेजेस देना पड़ेगा और एक एक वर्कर का वेजेस कितना हो जाएगा 25xy/22, ठीक है 25xy, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दिया, ये एक्स वाई थोड़ी ना होगा, ये तो वाई होगा, हमें क्या लेना है एक्स वाई, तो टोटल वेजेस है, हमें लेना है वाई, वाई क्या है, वाई है रुपीस, वाई जो है वो है वेजेस पर वर्कर, ठीक है, तो आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस पर वर्कर निकालना है, तो वेजेस पर वर्कर पहले कितना था, पहले था रुपीस वाई पर वर्कर था, इस पे अगर इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल अमाउंट इनटू जो इंक्रीमेंट है यानी कि बी लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 22, तो ये एक्स वाई नहीं, ये वाई होगा, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर गलती से एक्स वाई लिख दिया था, ये रुपीज में है, ठीक है, यहाँ पर भी रुपीज आया होगा, ये है नंबर में, ठीक है ये नंबर में। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें टोटल क्या चाहिए, टोटल वेजेस चाहिए, टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस पर वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस पर वर्कर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11, ये एक्स वाई के जगह वाई करो, ठीक है, ये हो गया 11 × 25, 275, ठीक है, ये हो जाएगा, एक काम करते हैं सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इस तरह से भी तो हो जाएगा 11 × 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 6, तो 5xy डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, रुपीस 5xy डिवाइडेड बाय 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को मिल गया कि करेंटली वेजेस कितना हो रहा है, टोटल वेजेस कैलकुलेट क्या करने बोला है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना ही बोला है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इज एक्स वाई, पहले था, ठीक है, अभी कितना हो गया है 5xy बाई 6, ठीक है, अब रुपीस दोनों में ही था, देखो यहाँ भी रुपीस था, ये भी रुपीस में आया है, तो ये मेरा दोनों ही आंसर रुपीस वाला है और रुपीस रुपीस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम काइंड है, तो रुपीस रुपीस कैंसिल, तो xy is to 5xy
बाई सिक्स, ठीक है, फाइव एक्स वाई बाई सिक्स. अब यहाँ से क्या क्या हम लोग कैंसिल कर सकते, देखो हम लोग को एमसीक्यू करना है, टाइम बचाना है. अब अगर हम बार बार एलसीएम दिखाएंगे तो हमारे टाइम लॉस है. तो एक्स वाई हटा दो, ठीक है, एक्स वाई काटना नहीं है, जस्ट हटाने के लिए बोल रहे हैं. तो यहाँ बचा वन और यहाँ बचा फाइव बाई सिक्स, ठीक है. अब इसको अगर बराबर करना है तो इसमें एलसीएम सिक्स आ जाएगा, तो वन इंटू सिक्स, फाइव बाई सिक्स इंटू सिक्स, तो ये हो गया सिक्स इज टू फाइव, ठीक है, सिक्स इज टू फाइव. तो ये रेशियो जो है, इसी रेशियो में क्या हो रहा है, टोटल वेजेस जो है वो हम लोगों का चेंज हो रहा है. इस रेशियो में टोटल वेजेस हम लोगों का चेंज हुआ है. तो देखो ये वाला चीज याद रखना कितना जरूरी है. जब भी कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है. तो देखो हम लोगों का यहाँ पर एक्सरसाइज, सॉरी जो भी मतलब एग्जाम्पल्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब एक्सरसाइज जो है ये तुम लोग बताना, ठीक है, हम तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोग मुझे बताओ तो तुम लोग का एक्सरसाइज रेडी हो जाएगा. तो पहला क्वेश्चन जो है, एक मिनट, इसका हम आंसर जो है मेरे पास निकाल लेते हैं ताकि वो भी चेक करते हुए चले. लोग बताओ तब तक, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, बोलो कौन बोलेगा, बोलो 11:15 क्या होगा, इनवर्स रेशियो 15:11, करेक्ट, 15:11 जस्ट ऑपोजिट होगा ऑप्शन ए, ठीक है. अच्छा, द रेशियो of two quantities 3:4, if antecedent is 15 then consequent क्या होगा, antecedent मतलब पहला वाला term होता है तो consequent कितना होगा, बोलो. 20, देखो 3:15 कैसे हुआ, सोचो 3:15 कैसे हो सकता है, हाँ 20 होगा, ठीक है, 315 कैसे हो सकता है, इंटू फाइव करके ना, तो यहाँ भी इंटू फाइव होगा, तो ये 15 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो गया कंसिक्वेंट टर्म का वैल्यू, ठीक है. द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7 इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात, दो चार बात यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल रखा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है. इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, द एंटीसीडेंट इज, बोल सकते हो 7. अच्छा, तो 3 का सी, करेक्ट, देखो क्या बोला है, 5:7 ये एक रेशियो है, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 5:7 का इनवर्स हो जाता है 7:5, ठीक है. अब इसका कंसिक्वेंट क्या होता है, 5, इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है. अच्छा, फोर्थ नंबर, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3 कॉमा 9:4 कॉमा 5:6 एंड 8:10, कंपाउंडेड का मतलब याद दिला देते, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बोलो क्या होगा आंसर, 1:1 फोर का ए, हाँ सही बात है. देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 हो गया, ठीक है, 5 2 हो गया और ये 2 2 2 8 और 8, है ना, 1:1, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, 1:1 हो गया. अच्छा, फिफ्थ बोलो, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, अब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है वो तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बोलो डुप्लीकेट रेशियो 9:16, सही, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट का मतलब क्या है, एक वैसा ही देखने में एक चीज, तो 3 के जैसा 3, ठीक है, 4 के जैसा 4, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9:16. सब डुप्लीकेट बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36, 5:6, हाँ, सब डुप्लीकेट मतलब रूट होगा 25 और 36, है ना, तो 5:6, यानी कि ये, नहीं सॉरी, ये देखो ऐसा गलती हो जाता है, ठीक है, तो तुम लोग ध्यान रखना, जैसे मैंने इस पे टिक कर दिया, ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम में, ठीक है. तो 5:6 होगा हम लोग का आंसर, 6 का डी हो जाएगा. अच्छा, 7, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला है, सिर्फ ट्रिप्लीकेट बोला है, 2:3 का ट्रिप्लीकेट, बोलो क्या होगा, 8:27,
एट इज टू 27, टू का क्यूब करो और थ्री का क्यूब करो, टू इंटू टू इंटू टू एट, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27. सब ट्रिप्लीकेट बोला है, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8 इज टू 27. मतलब 8 का क्यूबिक रूट और 27 का क्यूबिक रूट, और सेम ऐसा ही एग्जांपल लिया था तो उसमें हम लोग का यही आया था 2:3. बाकी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने सिखा दिया, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है? और वो सीखना भी है, उसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग को आगे जाके इंडिसेस में सीखना भी पड़ेगा. अच्छा, तो हम लोग का 8th का आंसर हो गया सी, ठीक है? हम एक बार आंसर, हाँ ठीक है. 9th वाला रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, बताओ क्या हो? 1:4 करेक्ट. ये देखो कंपाउंड करने बोला है, 4:9 के साथ कौन सा कंपाउंड होगा? डुप्लीकेट ऑफ 3:4, 3 का डुप्लीकेट 3 यानी 3 स्क्वायर, 4 का डुप्लीकेट 4 यानी 4 स्क्वायर. तो 4/9 इंटू 9/16 लिख लेते हैं, ये हो गया 1:4, ठीक है? इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है कंपाउंड करने के लिए, एक एक नॉर्मल रेशियो और एक दूसरे रेशियो का डुप्लीकेट. अच्छा, 10th वाला देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज, बहुत सारा चीज बोला है, तो एक एक चीज को देखो, देख के मुझे बताओ क्या होगा. कंपाउंड करना है, क्या लगाएंगे? डुप्लीकेट ऑफ 3:4 मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब एंड एंड 9:7, ठीक है? और उसके साथ 9:7 बोला है अलग से, उसका कुछ नहीं करने बोला है, ठीक है? तो 4 और ये हो गया, ये देखो 3 स्क्वायर और नीचे 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये हो गया 2 क्यूब, ये 4 है, यहाँ से 4 कैंसिल, 2 4 है, यहाँ एक 4 बचेगा, और यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3 × 3 × 3, तो यहाँ से 9 से अगर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 3 बचेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ हो रहा है 2, तो यहाँ पर एक 2 बचेगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/, ये हो गया 21, ठीक है? 2/21 हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या बोला था, देखो यहाँ पर सबका गलती कहाँ होता है ना, इसमें गलती होता है, ये सिंपल बोल रखा है, बोल रहा है कि कंपाउंड करना है, 4:9 ले लिया, डुप्लीकेट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट 2 क्यूब 3 क्यूब एंड 9:7, ठीक है? मतलब 9:7 पे कुछ करना नहीं है, ना तो डुप्लीकेट ना तो ट्रिप्लीकेट, वो 9:7 ही लेना है, तो 2:1 होगा आंसर. नेक्स्ट बोला है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512. तो तुम लोग कॉपी में लिख के करो, मुझे बताओ क्या होगा.
आंसर एक्चुअली तुम लोग का अगर आंसर नहीं टैली हो रहा है तो नहीं भी हो सकता, क्योंकि आंसर नन ऑफ दिस होगा, लेकिन मुझे अमाउंट पता करना है कितना हो रहा है। अच्छा पहले तो देखो ये ऐसे लिखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। रेशियो डुप्लीकेट कंपाउंड करना है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5 यानी 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इनटू, ठीक है, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 मतलब 1 क्यूब 3 क्यूब, और सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256 सब डुप्लीकेट कर दिया, और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 और 512 इनटू करके देखते हैं। देखो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 25, 1 और ये हो गया 27। 81 का रूट 9 होता है, 256 कैलकुलेटर यूज कर लो, कैलकुलेटर तो अलाउड रहेगा, 60, ठीक है, इनटू। अब ये 3th करने से कैसे होता है, ये एक्चुअली देखो 5 का क्यूब करने से ना 125 होता है, ये देखो 5 × 5 × 5, ये तुम लोग को अगर स्टार्टिंग में नहीं कैलकुलेट होता है तो 125 का एलसीएम करो, ठीक है, ये देखो है ना, तो 5 का क्यूब हो गया, तो 5 का क्यूब 2^1/3, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे हैबिचुएट हो जाओगे, तो ये हो गया 5, ये 5 बनेगा। 512 कितने का होता है, 512 तुम लोग इसका भी एलसीएम कर लो, अगर समझने में प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट तो 2 से ही जाएगा 256, देन फिर 2 से जाएगा 128, फिर 2 से 64, और 2 से जाएगा फिर से 32, और 32 का मतलब कितना होता है पता है, 32 आया तो 32 मतलब 2^5 होता है, ये मुझे याद रहता है, ठीक है, मतलब मैंने ये हैबिट कर लिया, तुम लोग भी कर लो कि 32 2^5 होता है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली 32 और भी 2 मतलब 5 टाइम्स 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये देखो 32 16 8 4 2 है ना, ये यहाँ पर आधा हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया 9, ठीक है, तो ये देखो 4 चला जाएगा, आई थिंक 8 × 8 × 8 512 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 है ना, 8 का क्यूब इतना होता है, तो ये 8 आ जाएगा बाद में सॉल्व करके। अब देखो 16 कैंसिल, 9 × 3 = 27, 5 × 5 = 25, और ये हो गया 1/8 × 3 × 5, 5 × 3 × 8 कितना हो गया 120, ये आना चाहिए आंसर, ठीक है, वैसे कोई ऑप्शन में है नहीं, इसका नन ऑफ दिस आएगा, तो ये इतना आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है, तुम लोग का भी इतना आ रहा है क्या, एक बार बताओ तुम लोग का भी इतना आया? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, फिर अब देखो 12 नंबर, अब ये 12 नंबर पे मुझे कुछ बताना है, देखो 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर कोई मैथमेटिकली सॉल्व करे, मतलब एक्चुअली इसका रूल्स क्या है, लेकिन हम लोग क्योंकि एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन हम लॉजिक बता देते हैं। बोला क्या है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, हम इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लिए, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है 2a + 3b डिवाइडेड बाई 3a + 4b, ठीक है, तो एक्चुअली बहुत से लोग क्या करते हैं ना, a का मतलब 3 मान लेते हैं, b का मतलब 4 मान लेते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि a का मतलब 3 और b का मतलब 4 हो गया, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, a कुछ और अमाउंट भी हो सकता है, b कुछ और अमाउंट भी हो सकता है, ओरिजिनल अमाउंट 3-4 है ऐसा गारंटी नहीं है, ये तो बस रेशियो है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते, मान लो हम लोग का एमसीक्यू नहीं होता, तो अगर हम लोग a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4 लिख के क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो गलत हो जाता, देन हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता, देन हम लोगों के पास दूसरा एक तरीका है, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, ठीक है, a इक्वल टू 3b/4 कोई भी एक कन्वर्जन कर लिया, अब a इक्वल टू 3b/4 को पुट कर दिया a के जगह पे, ठीक है,
लेकिन इतना करना नहीं पड़ेगा, तुम लोग जस्ट देखो ठीक है। तो 3 × 3b/4 क्योंकि a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो क्या मैम a का वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा हर बार? ऐसा जरूरी नहीं है, 4a = 3b है, तुम लोग इसको 3b = 4a करके b = 4a/3 पुट कर दो b के जगह पे, तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पर 4b कर दिया मैंने, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6b/4 + 3b और ये हो गया 9b/4 + 4b ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 हो गया LCM 6b + 12b ठीक है, और यहाँ पर हो गया 9b + 16b ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 6 + 12 18b/4 × 4/9 + 6 15b कैंसिल, 4 कैंसिल ठीक है, बचा क्या 18 by 15 यानी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6:5 ठीक है। इसको इस टू फॉर्म में लिख देंगे 6:5 हम लोग को बोला था इसका वैल्यू निकालने के लिए, 6:5 आया मेरा, एक मिनट, ये 18:25 बोलता है, अच्छा 18:25, अच्छा ये 25 होगा क्या, तो ये 16 होगा, 16 होगा, 16 और 9 25 होता है। अच्छा ये अगर 25 होगा तो ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा, मेरा यहाँ पर एक कैलकुलेशन गलत हो गया था, ये देखो ये वाला गलत हुआ था, मैंने 4 × 4 16 ना लिख के 6 लिख दिया, 1 नहीं लिखा था, तो ये 18:5, ये ऑप्शन डी आंसर है, ऑप्शन डी से ही हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग एग्जाम में ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें करके नहीं दिखाना है ठीक है, हमें करके नहीं दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग अपना शॉर्टकट लेंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू करना है, तो ये लेकिन मैथमेटिकली राइट फॉर्म होता है, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ए का मतलब 3 और बी का मतलब 4, ये मैथमेटिकली रॉन्ग होता है, लॉजिकली रॉन्ग होता है, क्यों बताओ, जैसे मान लो ये था 12 रुपया और दूसरा वाला था 16 रुपीज ठीक है, तो a इक्वल टू हम लोग बोल सकते 12 और b इक्वल टू बोल सकते 16, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो हम लोग नहीं बोल सकते a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 है, इस वजह से नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग एमसीक्यू जब करेंगे तो हम लोग यही वाला फॉर्म यूज करेंगे, हम लोग ये मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4 क्योंकि इससे सॉल्व होगा ठीक है। अब देखो कैसे होगा, a इक्वल टू 3 तो 2 इस पे पुट करना है, इसका वैल्यू पूछा था 2 × 3 + 3 × 4 3 × 3 + 3a + 4b 4 × 4 ठीक है, तो ये हो गया 6 + 12 9 + 16 तो ऐड करते हैं 18 और ऐड करते हैं 25, टाइम बचा, ये आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को सॉल्व करना होता, अगर तुम लोग का एमसीक्यू के जगह सॉल्विंग होता तो ये सॉल्विंग गलत होता है लॉजिकली, ये इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एमसीक्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग फटाफट कैलकुलेटर लेंगे और उसपे यहाँ पर लगा, इतना भी नहीं करना चाहिए हमें ठीक है, जब तुम लोग स्पीड अप कर लोगे तो कैलकुलेटर लोगे 3 × 2 = 6 ठीक है, और यहाँ पर 4 × 3 = 12 12 + 6 कैलकुलेट करोगे फिर डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग का आंसर बन जाएगा, तो 18:25 ये हो गया डी ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, ए का वैल्यू ये मान लेंगे जो है पहला वाला, बी का वैल्यू ये मान लेंगे एमसीक्यू के लिए ठीक है। अगर कभी करके दिखाना हो किसी को तो ये मत दिखाओ, ये गलत होता है। नेक्स्ट, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3 इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर्स आर, बोलो क्या आंसर होगा। इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो, आंसर देख के भी कर सकते हो, बोल रहा है कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 2:3 है, अगर उससे 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों नंबर से तो उनका रेशियो 3:5 हो जाएगा, तो नंबर क्या है बोलो, बोलो बोलो आंसर क्या होगा। दो नंबर्स है जिसका रेशियो 2:3 है, देखो तुम लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, क्या 16 और 24 का रेशियो 2:3 होता है, बताओ मुझे इतना बताओ, क्या 16 और 24 का रेशियो 2:3 होगा, इसको सिंप्लीफाई करो पता चलेगा, 4 से कैंसिल करो, 4 4 से 16
फोर सिक्स 24, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, हाँ ये हो रहा है. तो इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल कर गया कि अगर आंसर ए है तो दो नंबर ये हो सकते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला भी इस पे अप्लाई करते हैं. इफ फोर भी सब्ट्रैक्टेड, अगर फोर सब्ट्रैक्टेड होता है ईच ऑफ देम, तो 16 से फोर सब्ट्रैक्ट करो 12, 24 से फोर सब्ट्रैक्ट करो 20, तो उसका रेशियो 3:5 होगा. चेक करो रेशियो 3:5 होता है कि नहीं. फोर से कैंसिल करो, फोर थ्री जा 12, फोर फाइव जा 20, 3:5 हो गया. द नंबर्स आर, तो इसका मतलब यही वाले वो नंबर्स होंगे, यही वाले वो नंबर्स होंगे, ठीक है. क्योंकि 4:6 क्यों नहीं होगा, देखो 4:6 में अगर 2:3 रेशियो बनता भी है, लेकिन क्या इससे 4 सब्ट्रैक्ट करने से रेशियो 3:5 आएगा, क्योंकि पहला टर्म तो जीरो बन जाएगा और 2:3 में से तो 4 सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं. 2 और 3 नंबर का रेशियो 2:3 होगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है. तो एक तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है और यही यूज करना है हमें, लॉजिकली चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. बाकी सॉल्विंग भी हम बता देते हैं. सॉल्विंग भी देखो इस तरह से होता है, दो नंबर है 2 और 3, हम लोग मान लेते हैं नंबर्स जो है वो है 2x और 3x, ठीक है. तो 2x वाले नंबर और 3x वाले नंबर दोनों से अगर हम लोग 4 और 4 हटा देते हैं तो इसका रेशियो बन जाता है 3/5, ठीक है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10x माइनस 20, 9x माइनस 12, ठीक है. अब ये 9 इधर आ जाएगा, 10x माइनस 9x इक्वल टू 20 माइनस 12, तो ये हो गया x इक्वल टू 8. तो नंबर्स कितने हो गए, x मल्टीप्लाई करो यानी 16,24, है ना. लेकिन टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए हमें देखना चाहिए अगर हमारा ऑप्शन से हो जाता है. एमसीक्यू तो वही होता है ना, टाइम बचाना है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं. तो उसी का प्रैक्टिस करो कि हम लोग ऑप्शन से देख पाए, उसका मतलब उस तरह से क्वेश्चन को सोचना है हमें, ठीक है. द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11. एंगल्स क्या क्या है, कोई एक ट्राइंगल है जिसपे तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल का रेशियो बता दिया 2:7:11, एंगल कौन कौन सा है बोलो. ये तो आप लोग आसानी से जो है इसको देख के ही बता सकते हैं. हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, जिस ऑप्शन से ये रेशियो क्रिएट होगा वही हमारा आंसर होगा, बोलो कौन सा होगा. 18:63:99, हाँ ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा. देखो 2:7:11 इससे तो नहीं क्रिएट हो रहा है, 3:7:8 इससे नहीं क्रिएट हो रहा है, इससे क्रिएट होगा, है ना, इससे क्रिएट हो जाएगा. देखो 9 से 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 और 9 11 में 99 हो गया. नाउ इसका सॉल्विंग भी बता देते हैं, देखो तसल्ली के लिए कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वो कैसे होता है. ये देखो इसका सॉल्व कैसे होगा, एंगल्स जो है ट्राइंगल का हम लोग मान लेते हैं वो है 2x डिग्री, 7x डिग्री और 11x डिग्री. तो मुझे एक चीज बताओ, कोई भी एक ट्राइंगल में जो तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है बोल सकते हो, तीनों एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है. जैसे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे थे, एक सर्कल का डिग्री 360 डिग्री होता है, एक एंगल का डिग्री कितना होता है, ट्राइंगल का डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री. 180 डिग्री, करेक्ट, 180 डिग्री होता है. अब सॉल्व करने से कैसे हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस 7x डिग्री प्लस 11x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये हो गया 7 प्लस 2, 9, 9 और 11, 20, 20x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय 20, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री. अब एंगल क्या क्या हो गया, 2 इंटू 90, 7 इंटू 90, 11 इंटू सॉरी 9 होगा, ठीक है. ये 0-0 कैंसिल हो जाएगा, वो एंगल लिख दिया ना, ये देखो ये 20 है, ये 20 है, ठीक है. तो 0-0 कैंसिल, ये डिग्री है तो ये 9 डिग्री होगा, ये 9 डिग्री हो गया. तो इसमें आंसर आ जाएगा 18:63:99, ठीक है, 18:63:99. देखो अब किसी को याद रह सकता है 180 डिग्री, किसी को नहीं रह सकता है, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन से भी सोचेंगे और उससे टाइम बचता है, ठीक है. तो तुम लोग दिमाग ऑप्शन वाला ही चलाओ, ये बेटर रहता है. नेक्स्ट बोल रहा है, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो, इस तरह से एक्स और वाई को क्या मिलेगा. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बोलो. ये तो रेशियो का फंडा ही होता है. तुम लोग जो पार्टनरशिप में रिजर्व बांटते हो, पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटते हो, गुडविल बांटते हो, वही बोला है. बोलो एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा अगर इस रेशियो में हमें बांटना है 324 रुपीस को, तो एक्स और वाई को कितना कितना मिलेगा. एक्स
None of this. None of this. 15 का हाँ नन ऑफ दिस आ रहा है. ये देखो 324 इंटू 11 बाई कितना हो जाएगा 18 एक जन को और 324 इंटू 7 बाई 18 ठीक है. अब देख लो कितना आता है. और ये आ जा रहा है 198 ठीक है. 198 और 126 हो रहा है जो कहीं पर भी नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा. और ऑप्शन से भी तरीका है कैसे. ये दोनों का रेशियो 11:7 होना चाहिए ना. ये दोनों का रेशियो 11:7 नहीं होता. ये दोनों का भी चेक कर लो 11:7 नहीं होता. ये भी 11:7 नहीं होता है ठीक है. ये रेशियो और इजिली समझ में आता है 11 से डिविजिबल होगा तब ना रेशियो बनेगा. तो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 11:7 नहीं होता है ठीक है. अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दिस ही आंसर आएगा. ऑप्शन से भी देख सकते हैं बाकी ये सिंपल है इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते. अच्छा 19 आनंद अर्न 18 7 आवर्स. आनंद का अर्निंग है रुपीज 80 लेकिन कितने टाइम में 7 आवर्स. अगर वो 7 आवर्स काम करता है 80 रुपीज मिल जाता है. प्रमोद का है रुपीज 90 इन 12 आवर्स. 12 घंटे में प्रमोद 90 रुपीज अर्न करता है. रेशियो क्या होगा उनके अर्निंग का रेशियो क्या होगा बोलो. रेशियो क्या होगा देखो पहला बात है अगर कोई डायरेक्टली 80 और 90 को रेशियो कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 7 आवर्स बेसिस पे ये 12 आवर्स बेसिस पे है तो हमें बेस तो बराबर करना पड़ेगा ठीक है. बेस बराबर करना पड़ेगा तो ये 7 आवर्स में 80 रुपीज 12 आवर्स में 90 तो 1 आवर में कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 7 आवर्स में अगर किसी को 80 रुपीज मिलता है तो 1 आवर में वो कितना अर्न करेगा. कम करेगा 80/7 ठीक है 1 आवर का. और अगर कोई 12 आवर्स में 90 रुपीज अर्न करता है तो 1 आवर में कितना करेगा 90/12 ठीक है. अब ये दोनों का हमें रेशियो करना चाहिए तो हम लोग रेशियो कैसे करेंगे 80/7 ये देखो 80/7 इज टू 90/12. तो हम लोगों को बेस फिर से सेम करना है. 7 एंड 12 का रेशियोज नहीं हो सकता है ठीक है. सॉरी मतलब इसका एलसीएम नहीं हो सकता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. 7 × 12 ये हो गया 84. तो 80/7 × 84 और 90/12 × 84 ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 84/7 ये हो गया 12 × 80 960 हो रहा है पहला वाला ये ठीक है. ये सिंप्लीफाइड करके और 12 और 84 7 × 90 630 तो 00 हटा दो 96 और 63 ठीक है. और 63 को 3 से डिविजिबल करते हैं तो ये हो गया 2 और 1 और यहाँ पर 3 से डिविजिबल करेंगे 3 और 1 तो इसीलिए 31 अब फिर से गलत कर दिया शायद मैंने 84 12 × 80 960 हाँ और 960 और ये 63 है 1 आवर्स 90 रुपीज 19/12 आवर्स तो एक घंटे में 90/12 करेक्ट है 90/12 और 7 आवर्स में 80 रुपीज 1 आवर्स में 80/7 तो ये दोनों का रेशियो कैलकुलेट करने बोला है. तो 7 और 12 का एलसीएम 84 होता है तो 7 84 डिवाइडेड बाय 7 ये 12 हो गया 12 × 80 960 ठीक है. ओ 2 ही तो होगा 3 × 3 = 9 3 × 2 = 6 होगा. अच्छा ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया ये 96 होगा 96 है ना. तो 3 × 3 = 9 3 × 2 = 16 32 × 21 इस तरह से होगा. तो हम लोग क्या करना पड़ेगा 80 रुपीज 7 आवर्स में है 90 रुपीज 12 आवर्स में. हम लोग पर आवर कैलकुलेट कर लेंगे पर आवर यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा. अच्छा नेक्स्ट देखो 17 का द रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105 द नंबर्स आर. ये आंसर से बता सकते हो दो नंबर्स के रेशियो 7:10 है और उनका डिफरेंस 105 है. कौन सा ऐसा नंबर है तो सारे नंबर पे डिफरेंस देखो ना 105 होते हैं क्या 305 और 200 ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी है. अच्छा हाँ ऑप्शन सी है.
देखो इसमें भी 105 हो रहा है, लेकिन क्या इसका रेशियो 7:10 होता है? चेक करो, इसका रेशियो 7:10 नहीं होगा। कैसे पता चल रहा है? अगर 7:10 होगा तो 200 और 305 तो ये ऐसे नंबर से डिवाइड होगा जो कि 10 आना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, पीछे तो 5 है, हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा अगर 185 और 290 का रेशियो देखते हो तो ये भी देखो, 290 का रेशियो अगर ये 10 आ जाता है, अगर ये 10 होगा तो ये 29 से डिविजिबल होगा तभी तो 10 होगा, अगर ये 29 से डिविजिबल होगा तभी 10 होगा। क्या ये 29 से डिविजिबल है? क्योंकि दोनों ही तो सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। 185 डिवाइडेड बाई 29 कैलकुलेटर पे करके देखो 6.37 पॉइंट आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं 245 और 350, ठीक है 245 और 350 इसका रेशियो करेंगे, देखो 10 आना चाहिए, तो अगर ये 10 आ जाता है तो ये कितने से डिविजिबल हुआ होगा? 350 बाई 35 से डिविजिबल हुआ होगा, तब जाके इसमें 10 आया होगा, तो ये भी 35 से डिविजिबल होना चाहिए। चेक करो 245 डिवाइडेड बाई 35, 7 आ जाता है, ठीक है 7 आ जाता है, तो ये हो गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस 105 है? चेक करते 245 माइनस 350, मतलब 350 माइनस 245 करो, 105 आ गया, ठीक है। अगर किसी को सॉल्व करके करना है देन वो किस तरह से कर सकता है? ये तो गया हम लोग एमसीक्यू है, इस वजह से जो ऑप्शन देख के कर सकते हैं। अब बोल रहा है दो नंबर है 7:10, तो हम लोग मान लेते हैं नंबर है 7x एंड 10x, तो डिफरेंसेस 105 है। डिफरेंसेस हमेशा निकाला जाता है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इक्वल टू 105। नाउ 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105/3, तो 105/3 में आ जाता है 35, तो नंबर्स कितने हो गए 7 × 35 और 10 × 35, तो 10 × 35 तो 350 होता है और 7 × 35 हो जाता है 245, ठीक है। सॉल्विंग के थ्रू से इस तरह से आ जाएगा। 18, PQR 3 cities, the ratio of average temperature between P and Q 11:12 and between P and R 9:8, the ratio between the average temperature of Q and R, बोल रहा है एक सिटी है, ठीक है सॉरी तीन सिटी है P, Q और R, और उनका रेशियो बता रखा है। P सिटी के साथ Q सिटी का रेशियो बनता है 11:12 टेम्परेचर, P के साथ R का रेशियो बनता है 9:8। हम लोग को पूछा है Q बाई R का रेशियो बता दो, ये पूछा, बोलो कैसे कैलकुलेट कर सकते, मतलब सिनेरियो से हमें P को हटा देना। क्वेश्चन तो मैंने बताया, बोलो किस तरह से होगा। पी बाई क्यू बता रखा है 11:12 और पी बाई आर 9/8, पूछा है क्यू बाई आर, Q and R, Q by R, तो देखो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, P by Q into, अगर हम लोग कर देते हैं R by, ऐसे नहीं, चलो ऐसे कर देते हैं, ये करेंगे तो होगा बट इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें P हटा देना है, ऊपर Q लाना है, तो Q by P कर लेते हैं। P by Q अगर 11/12 है तो Q by P क्या हो जाएगा 12/11, चेंज कर दिया, बचा है अब हम लोग कंपाउंड करते हैं। देखो Q by P into P by R, ये सबसे आसान तरीका है। Q by P मतलब 12/11, P by R मतलब 9/8, ठीक है। अब P P कैंसिल होता है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो Q by R को ही डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 × 9 108 और ये हो गया 88 और ये शायद हम लोगों का डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा 27 और 22, देखते हैं 27 22, ऑप्शन बी 18 का ऑप्शन बी आ जाएगा, ये सबसे आसान और टाइम बच जाएगा इसमें। लेकिन इसको अगर समझ के करते हैं, मतलब ये तो ट्रिक हो गया, इसको अगर हम लोग समझ के करते हैं तो कैसे होगा देखो, वो भी बता देते हैं। P by Q और P by Q है 11/12 और है P by R, और P by R है 9/8, ठीक है 9/8। हम लोग क्या करेंगे, P को
हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ भी जितना होगा यहाँ भी उतना, ये एकमात्र कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर 9 लगा दो यहाँ पर 11 लगा दो, ठीक है। बेस बराबर और रेशो का पता है, ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उतने से ही करो, यहाँ पर भी वही। अब ये क्या हो गया 99, ये कितना हो गया 12 × 9 100 99 88, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना हो रहा है 99 और यहाँ पर P का वैल्यू कितना हो रहा है 99, तो बचा क्या 108 और 88। Q का वैल्यू 108 ये देखो और R का वैल्यू 88 है ना, तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो P by Q is to अगर हम लोग P by R कर लेते हैं तो ये बन गया 99 by 108 और ये बन गया 99 by 88। अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, Q by P is to R by P कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 108 जो है 99 जो है नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या 108 और 88, ठीक है। लेकिन ये सब जो है लॉन्ग तरीके हैं तो हमें रिप्रेजेंट तो करना नहीं है, तो तुम लोग को यही याद रखना चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे कि अगर ऐसा आता है कि कुछ एक एलिमिनेट हो रहा है तो हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट करके उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, इस तरह से कर सकते। अब नेक्स्ट देखो 19 का क्या बोला है, xy 3:4 वैल्यू कैलकुलेट करने बोला। ऐसा अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो मैंने बोला कि तुम लोग x मान लोगे कितना 3 और y मान लोगे 4, इस तरह से जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एमसीक्यू में ये चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 3 है यानी 3 का स्क्वायर इंटू y मतलब 4, ठीक है, प्लस x इंटू y स्क्वायर, x मतलब 3 y स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x cube y cube मतलब 3 cube और y cube मतलब 4 cube, कितना हो जाएगा 3 × 3 9 × 4 36 plus 16 × 3 40 divided by 9 plus 27 64, तो 36 plus 48 27 plus 64 91, ठीक है। अच्छा क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, 7 से डिविजिबल होगा, 84 डिवाइडेड बाय 7 दिया होगा ना 12 और ये हो गया 30, तो ये रेशियो हो जाएगा 12:13, ठीक है। ये तो तुम लोग को थोड़ा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने सिंपल वे बता दिया, सिंपल इसका वैल्यू ऐसे मान लो फिर उसको लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां लिखने के लिए जगह दे दिया जाएगा, तो तुम लोग लिख के कर सकते हो, लेकिन हाँ रफ पेज मतलब कम कम यूज करना है, थोड़ा कम रहता है पेज, ठीक है, तो छोटा छोटा करके यूज करना पड़ेगा। 20 P is to Q is the subduplicate ratio of this one, then X square कितना होगा ये पूछा है, ये तो हमें सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कर नहीं पाएंगे। P is to Q जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो है इस रेशियो का, मतलब ये जो है ये सब डुप्लीकेट है और ये क्या है ये ओरिजिनल, ठीक है। तो किसी भी ओरिजिनल रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, स्क्वेयर सॉरी रूट करके, ठीक है, सेकेंड रूट करके। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन है हम लोग का 20, तो p माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको अगर रेशियो फॉर्मेट में भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे q माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो फॉर्मेट में लिखते हैं, इसका सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसका रूट कैलकुलेट करो, इसका सब डुप्लीकेट का मतलब ये बन गया, ठीक है, और सब डुप्लीकेट रेशियो का वैल्यू हमें बता रखा है P is to Q और ये वैल्यू हमें बता रखा है P is to Q, हमें क्यू पूछ x पूछ रहा है, x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे होगा, तो सब डुप्लीकेट वे लो, इसका बन जाएगा इस तरह से इक्वल टू बता रखा है P by Q, हम लोग को बोला है x स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करते हैं रूट को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो p माइनस x स्क्वायर और q माइनस x होल स्क्वायर अगर करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ता है क्योंकि दोनों इक्वल टर्म में है, यहाँ पर हो गया p माइनस x स्क्वायर, अगर रूट हट जाता है तो क्या होगा, सिर्फ एक डिजिट बचेगा q माइनस x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, है ना, रूट हट जाएगा ना, जैसे रूट 4 का होल स्क्वायर करो कितना होता है 4 होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर अगर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो इतना बचेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन p इंटू क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर p स्क्वायर,
सॉरी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू और पी स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बोलते हुए थोड़ा सा मैंने शायद गलत बोल दे रहे हैं, ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ है। तो तुम लोग देखो p और q का स्क्वायर x स्क्वायर q स्क्वायर, q और p का स्क्वायर x स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर q स्क्वायर इधर है, p स्क्वायर x स्क्वायर। हमें x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहिए। तो ये रहा p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर q स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा p स्क्वायर q माइनस p q स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा p स्क्वायर q स्क्वायर, यहां कॉमन लो p q कॉमन ले सकते, तो इसमें बचा p और इसमें क्या बचा q, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है ये वाला, ठीक है। तो x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू, नहीं इसके बाद वाला करेंगे ना, x square equal to pq by p minus q divided by, ये into है तो ये नीचे divide हो गया, p square minus q square, अब x का square pq p minus q। अब ये एक formula होता है, अगर तुम लोग को याद है तो देखो a plus b into a minus b हो जाता है, ठीक है, a square minus b square, a plus b a minus b, इस हिसाब से p plus q into p minus q हो जाएगा। तो ये cancel हो गया, बचा क्या पी क्यू बाई पी प्लस, ठीक है, ये एक ऑप्शन है पी क्यू बाई पी प्लस यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, विदाउट सॉल्विंग इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग आंसर जल्दी से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो 20 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। अच्छा 21 में ऐसे ही बोला है कि ये जो है इस डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, ठीक है। तो देन हमें पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा, तो देखो ये जो है डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस p और 3t माइनस p का, और किसी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उसका स्क्वायर, तो 2s माइनस p और 3t माइनस q का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 21। 2s माइनस p और 3t माइनस p, ठीक है, ये ओरिजिनल रेशियो है, इसका डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमें बता दिया है 2s by 3t, ठीक है, 2s by 3t। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा थोड़ा ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अभी करते जाओ, बाद में लास्ट में हम बता देंगे कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आता है, किसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना है, अगर किसी को मैथ से प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है किसी को याद रहता है फॉर्मूला तो क्यों उतना सोचना, याद करो और करो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये सब सबका सबको पता है, 5, 6, 7, 8 वाला ही फॉर्मूला है। तो 4a² है ना, क्योंकि देखो a का स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर, और 2s का होल स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर होता है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया 4s स्क्वायर। अब माइनस माइनस 2ab, ab ab मतलब 2s और p मतलब ab प्लस b स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर भी होगा 9t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 2s बाय 3t, ठीक है। अच्छा 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 2s और 3t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 12s स्क्वायर t माइनस 12spt प्लस 3p स्क्वायर t, ये इधर हो जाएगा 18t स्क्वायर s माइनस 12spt प्लस 2sp स्क्वायर, है ना। अब देखो 12s स्क्वायर t, ये 12spt चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बचा क्या 3p स्क्वायर t इक्वल टू 18t स्क्वायर s माइनस सॉरी प्लस 2sp स्क्वायर। अब हम लोग आंसर चेक करेंगे क्या बोल रखा है, p स्क्वायर इक्वल टू, देखो हर जगह पे क्या दे रखा है, p स्क्वायर या फिर p या फिर 2p, मतलब p इक्वल टू समथिंग में हमें
आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो पी एक तरफ आ जाएगा, सारा पी एक तरफ ले लेंगे, थ्री पी स्क्वायर टी, और यहाँ पर पी रिलेटेड टू एस पी स्क्वायर, बचा 18 टी स्क्वायर एस माइनस 12 एस स्क्वायर टी, पी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा 3 पी स्क्वायर माइनस, सॉरी पी स्क्वायर ले लेते हैं तो 3 टी माइनस 2 एस, है ना। और यहां पर से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, टी दोनों जगह पे टी है, दोनों जगह पे एस है, है ना। और यहां से 12 और 18 और 12 में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है, तो 9 टी, ये देखो ये s चला गया, यहाँ से कॉमन लेना मतलब क्या, डिवाइड करना, तो 18 t स्क्वायर s को हम लोग 2 t s से डिवाइड कर रहे हैं, s s कैंसिल, यहाँ पर एक t बचेगा, यहाँ पर एक 9 बचेगा, 9t, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि तुम्हारा जो तुम लोगों ने लिया है वो सही है कि नहीं, 9 इंटू 2 18, 3 इंटू t t स्क्वायर और s, है ना, इस तरह से चेक कर लो, हो गया। अच्छा अब देखो माइनस ये 6 हो जाएगा, ये s और t चला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2 टी एस 9 टी माइनस 6 एस डिवाइडेड बाई 3 टी, ये देखो 3 टी माइनस 2 एस, ठीक है। तो ये एक्चुअली ना यहाँ पर और भी हम लोग ले सकते हैं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए का आंसर होगा, हाँ ऑप्शन ए होगा, 21 का ऑप्शन ए। यहाँ पर ना एक काम करते हैं, यहाँ पर और भी कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन, मतलब एक्चुअली यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो बेटर होगा, यहाँ पहले 6 ले लेते हैं, देख ये 6 ले लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहिए, तो ये 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2, इससे क्या बेनिफिट हुआ, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर इक्वल टू 6t s या 6st, देखते हैं ऑप्शन ये वाला, 6st दे रखा है, एक ही बात है मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है, तो ये हो गया 21 आंसर हो गया, ठीक है। फिर 22 का देखो, यहाँ पर पी क्यू 2:3 और एक्स वाई 4:5 बोला, इसका वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट तुम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो 5 पी मतलब कितना 2, एक्स मतलब कितना 4, है ना, प्लस प्लस 3, Q मतलब कितना, Q मतलब 3 और Y मतलब कितना 5, ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 PX, 10 इंटू पी और X मतलब 4, ठीक है, 10 PX 4 QY, Q मतलब 3 और Y मतलब 5, अब चेक करो 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40 प्लस 9 इंटू 5 45, नीचे हो जाएगा 20 इंटू 4 80 और ये हो गया 60, ठीक है। तो ये हो गया 85 और ये हो गया 80 प्लस 60 140, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, 28 हो गया, 17 हो गया, 17:28 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक है 22 और 3 है, ठीक है, देखते हो जाएगा। The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1:4, बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई नंबर को इससे माइनस करते हैं तो रेशियो इतना हो जाएगा, तो वो नंबर कौन सा है, ठीक है, तो बोलो नंबर कौन सा होगा। तो अगर नंबर 15 होता है तो चेक करके देखो 15 पॉसिबल है कि नहीं, 19 से 15 और 31 से 15, हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 31 माइनस 15, ये हो गया 16, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो पॉसिबल, हाँ 4 4 16 1:4, हाँ ये तो हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। या फिर अगर सॉल्व करके देखो तो कैसे होगा, अगर कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म इन द रेशियो रिड्यूसिंग इट, मतलब 19 मान लेते हैं नंबर x है, तो 19 माइनस x 31 माइनस x इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। अब यहाँ से x जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, x 15 आ जाएगा, देखो 19 इंटू 4 कितना होता है, सॉल्व करके करके दिखा रहे, 76 माइनस 4x 31 माइनस x, ठीक है। अच्छा अब 76 माइनस 31 कितना होता है, 45 होता है, तो 45 इक्वल टू ये हो गया, ये इधर आ जाएगा 3x, देन x इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन दोनों ही बता दिया मैंने। अच्छा ऑप्शन ए हुआ,
24 डेली अर्निंग ऑफ टू पर्सन, सेम क्वेश्चन है ठीक है, 4:5 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9, इफ इट सेव्स 50 पर डे देयर डेली अर्निंग इज, लेकिन यहाँ पर बिना सॉल्व करके भी तुम लोग आंसर दे सकते हो, बताओगे क्या होगा आंसर 24 का बिना सॉल्व करे, बताओ डेली अर्निंग, ये ऑप्शंस दे रखा है ना, यहाँ से बता सकते हैं, बोल रहा है कि डेली अर्निंग जो है वो 4:5 है, तो 4:5 में ये बी ऑप्शन तो कट जाता है क्योंकि इसका रेशियो 5:4 होता है, ये दोनों का रेशियो 4:5 होता है, तो या तो ए होगा या तो सी या तो डी होगा। फिर क्या बोला है, डेली एक्सपेंसेस है 7:9, तो अगर ये आंसर होता है इससे 50 रुपीज सेविंग्स है बोल रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर अर्निंग 40 है तो 50 कैसे सेव करेगा, कर ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, इस तरह से चेक कर सकते हैं। 400 अर्निंग है, यहाँ से 50 सेविंग्स अगर हटा देते हैं तो हम लोग को एक्सपेंसेस पता चल जाएगा, देखो 350 है ना, और 500 से 50 हटा दो 450 कैंसिल, रेशियो देखो 7 से 5 से कैंसिल करो, 57 से 35, 59 से 45, 7:9 हो जाता है, जिस तरह से भी कैलकुलेट करके देखो, या फिर सॉल्व करना पड़ेगा जो सॉल्व मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज एग्जांपल में तुम लोग को दिखाया था, उस तरह से कर सकते हो, मींस अगर अर्निंग को मान लेते हो 4x और 5x और सेविंग्स है 50 रुपीज, तो सेविंग्स अगर हम लोग हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा अर्निंग जो की है 7/9, इसको सॉल्व करने से जितना आएगा 100 आएगा, ठीक है 100 आएगा, तभी तो 400-500 हो रहा है यार, इस पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा, बट इतना मेहनत मत करो क्योंकि हम लोग आंसर से बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7:8, इफ सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में 400 किलोमीटर जाता है कौन सा ट्रेन, सेकेंड वाला ट्रेन, तो फर्स्ट ऑप्शन सी 70 किलोमीटर, अच्छा हाँ सही हुआ है, देखो 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाता होगा 80 किलोमीटर, ठीक है, और ये रेशियो जो है वो अगर हम लोग कोई भी आवर बेसिस पे हो, दोनों आवर सेम ही होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 आवर बेसिस पे है, तो 7x 8x, ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 8x = 80, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, x क्या है, x है आवरली जो है स्पीड, ठीक है, तो ये हो गया 10, अब ये 10 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 70 आ जाएगा है ना, तो रेशियो जो है स्पीड का वो 7:8 है, तो कोई आवरली बेसिस पे होगा ना, तो 1 घंटे में 7 और 1 घंटे में 8, तो हम लोग इसको मान लेते 7x और 8x, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आवरली बेसिस पे निकाल लिया कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है सेकेंड वाला ट्रेन, 80 किलोमीटर = 8x हो रहा है, देन एक्स इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, तो मैंने तो दोनों तरह से ही बताया, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ऑप्शन के साथ ही बताएं क्योंकि वही तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, तो ये रेशियो वाला कंप्लीट होता है, नेक्स्ट दिन हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर।